Now we have covered the dew point temperature. Now we move on to the next slide. Now in this next slide we are having dew point depression. ठीक है ना, एक अभी हमने last time देखा था wet bulb depression. In that it was a difference between dry bulb temperature and wet bulb temperature. जो dew point depression होता है it is the difference between dry bulb temperature and dew point temperature. It is the difference between dry bulb temperature and dew point temperature. Now the next one is a psychrometer. How does a psychrometer look like? ठीक है, जिससे आप ये properties measure करते हो, so that is a psychrometer. Now in this psychrometer, ठीक है, we can see over here in the diagram there are two kind of thermometers. ठीक है, एक a simple thermometer is there. ठीक है, and another one is a thermometer which is having a wick. You can see over here a wick is there. और उसके नीचे क्या रखा जाता है? Glass of water रखा जाता है. ठीक है, so that due to capillary reaction ये जो पूरा जो आपकी wick है क्या हो जाए? Wet हो जाए. ठीक है ना, अब ये उससे होता क्या है, जो भी रूम टेम्परेचर होता है आपका उस रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो वही सेम रूम टेम्परेचर इस वाटर का भी रहता है. और यही वाटर क्या होता है, इसमें जब डिप हो जाता है तो जो एयर होती है, जब एयर पास होती है, जैसे मान लो एयर फ्लो कर रही है, तो इस विक से टकरा करके क्या होता है, दैट एयर गेट्स सैचुरेटेड. उस एयर में अगर मॉइस्चर कम भी है तो क्या होगी, सैचुरेट हो जाएगी. एंड दिस काइंड ऑफ सैचुरेशन इज एडियाबेटिक सैचुरेशन ऑफ एयर. ठीक है, उसको एडियाबेटिक सैचुरेशन ऑफ एयर कहते हैं. और वो एडियाबेटिक सैचुरेशन की वजह से जो आपको यहाँ पे टेम्परेचर मिलेगा, दैट विल बी वेट बल्ब टेम्परेचर. ठीक है, अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, अगर एडियाबेटिक सैचुरेशन बढ़ता है तो क्या करता हूँ, लाइन बीच में लाइन कर दी थी. ठीक है ना, तो वो वाला टेम्परेचर आपको इस तरीके से मिलता है, दैट इज वेट बल्ब टेम्परेचर. ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है, द साइक्रोमीटर, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ साइक्रोमीटर्स, पर स्लिंग टाइप साइक्रोमीटर इज शोन. ठीक है, स्लिंग टाइप साइक्रोमीटर है, इसमें एक हुक होता है या फिर यहाँ पे आप एक रॉड डाल करके बीच में, एंड यू कैन स्विंग इट. ठीक है, आप उसको घुमा सकते हो. तो घुमाने से क्या होता है, जो एयर वेलोसिटी होती है वो आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से वेट बल्ब टेम्परेचर लेने में इजी होता है हमको. ठीक है, क्योंकि वो एयर तभी सेचुरेट हो पाएगी जब आप उसको मूव करेंगे, तो वाटर वो एब्जॉर्ब करेगी, एंड देन इट विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू टेक द डायमेंशंस. ठीक, नाउ द ड्राई बल्ब थर्मोमीटर इज डायरेक्टली एक्सपोज टू एयर एंड मेजर्स द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ एयर. ठीक है, द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर इज कवर्ड बाय अ विक वेटेड थ्रू अ डिस्टिल्ड वाटर. ठीक, नाउ इट इज सिंपल, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एक वेट ड्यू पॉइंट डिप्रेशन और दूसरा आपका साइक्रोमीटर किस तरह का होता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ दिस इज अ साइक्रोमेट्रिक चार्ट, कुछ इस तरह का दिखता है. ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ लाइंस अलग अलग से दिख रही है. ठीक है, नाउ ऑन इट्स एक्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्स एक्सिस वी आर हैविंग, we are having a dry bulb temperature. ठीक है, यहाँ पर क्या है, dry bulb temperature है. And on y-axis we are having W. ठीक है, now this W is specific humidity. ठीक है, ये क्या है, specific humidity है. ठीक है, ना ही ये absolute humidity है, because specific क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है per kg of dry air. ठीक है, kg लिखा है, और absolute में क्या होता है, volume होता है, तो यहाँ per kg है, तो it is specific humidity. ठीक है, now इसमें अलग अलग तरह की lines होती हैं, these vertical lines जो आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये vertical lines किसकी हैं, dry bulb temperature. यहाँ पे अलग अलग dry bulb temperature होता है. ठीक है, then the horizontal lines are showing specific humidity. ठीक है, यहाँ पर जो आपको जो ग्रीन कलर से इसने आपको स्लांटेड लाइन दिखाई है, ठीक है, दीज आर कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस. ठीक है, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस होती हैं, और साथ ही में दीज आर आल्सो योर वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस. These are also your wet bulb temperature lines.
दीज ऑल लाइंस आर आल्सो योर वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको क्या बताया एडियाबेटिक सेचुरेशन पे होता है हमारा वेट बल्ब. एडियाबेटिक सेचुरेशन मींस द एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट. तो जब एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी तो इसी लाइन के अलोंग आपको क्या मिलेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर भी इसी लाइन के अलोंग मिलेगा, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है ओवर ऑन दिस कर्व, जो आपको ये कर्व दिखाई दे रहा है आउटर कर्व, ठीक है, जहाँ पे आपको शायद ये कर्सर दिखाई दे रहा होगा, अभी ये कर्सर दिखाई दे रहा होगा, जो आउटर मोस्ट कर्व है, दिस कर्व, ऑन दिस कर्व दिस इज वी आर हैविंग 100% सैचुरेशन, ठीक है ना. और यहीं पर क्या होते हैं, देर आर डिफरेंट टेम्परेचर आर रिटन ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर रिटन होते हैं, ठीक है, और जिसकी हेल्प से जो जो डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं, इसी टेम्परेचर पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पर अगर आप वर्टिकली नीचे चले जाएंगे तो इट विल शो द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है ना. इस कॉन्स्टेंट एंथैल्पी लाइन के थ्रू अगर आप जाएंगे तो इट विल शो द वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है ना. नाउ वेट बल्ब टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी इक्वल टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर बराबर हो सकते हैं, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर से कम हो जाए, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, दे कैन बी इक्वल, ठीक है. नाउ यू कैन सी देयर आर डिफरेंट एरोज ऑफ ब्लू कलर्स, ठीक है, दिस इज नथिंग बट अगेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व, दीज आर, इट इज नॉट रिटन ओवर हियर, इट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी राइट हैंड साइड को मूव करेंगे तो क्या होगा, सैचुरेशन कम होता जाएगा, यहाँ 100, यहाँ 90, यहाँ पर 50, यहाँ पर 40 या 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रह जाएगी, ठीक है. सो इन दिस मैनर द लाइन्स चेंज, देन द देयर इज वन डैश लाइन, ठीक है, ये डैश लाइन किस चीज की है, दीज आर लाइन्स ऑफ कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम के हिसाब से ये चेंज होती है. स्पेसिफिक वॉल्यूम मींस वॉल्यूम पर केजी ऑफ ड्रायर, ठीक है, वॉल्यूम पर केजी ऑफ ड्रायर. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम. नाउ वी मूव ऑन टू सम रिलेशंस, बट बिफोर रिलेशंस वी मूव ऑन टू द दिस इज योर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शल प्रेशर, ठीक है. पार्शल प्रेशर को हम कब यूज करते हैं, दिस काइंड ऑफ लॉज आर यूज व्हेनेवर वी आर यूजिंग अ मिक्सचर, ठीक है. नाउ हियर वी आर डीलिंग विद अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, ठीक है. सो एनी मिक्सचर व्हाट डज इट स्टेट इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शल प्रेशर व्हिच each constituent fluid exerts if occupied the same space by itself. yani ki suppose kijiye there is a volume, theek hai, ye volume kya hai, abhi sirf air hai, theek hai, and this volume is only water vapor, theek hai, let us suppose this is only air, ड्रायर, दिस इज वाटर वेपर, ठीक है, एंड इफ ऑल दीज वॉल्यूम्स आर इक्वल, ओके, सपोज दीज टू आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म एंड अनदर, अगर आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं एंड यू कीप द वॉल्यूम एज सेम, ठीक है, यू आर एडिंग ऑल दोस थिंग एंड द वॉल्यूम इज सेम, देन द प्रेशर दैट इट वॉज हैविंग, द ड्राई एयर वॉज हैविंग एंड द वॉटर वेपर वॉज हैविंग,
ठीक है, सेपरेटली अगर आप इनको डायरेक्टली ऐड करते हैं तो यू विल गेट द प्रेशर विल बी जस्ट अ समीशन, ठीक है, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा अगर आपने वॉल्यूम सेम रखा है, ठीक है. सो दैट व्हाट इज सेइंग पीए इज, इफ पीए इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्रायर एंड पीबी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, देन पीबी इज द बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ मॉइस्चर और द नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर व्हिच इज अवेलेबल, ठीक है ना. तो जितने ज्यादा कंस्टिट्यूएंट्स होंगे मिक्सचर में उनका जो भी पार्शियल प्रेशर होगा अगर आप उनको ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और द प्रेशर, द टोटल प्रेशर इज नोन एज द बैरोमेट्रिक प्रेशर, ठीक. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जैसे मैंने बात करा था, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमिडिटी रेशियो और मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है. इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर इन द एयर वेपर मिक्सचर, ठीक है. एयर वेपर का जो मिक्सचर है उसके पर केजी ऑफ ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. इट इज डिनोटेड बाय W, ठीक है. इट कैन बी रिटन एज केजी ऑफ वाटर वेपर अपॉन केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है. व्हेन वी सॉल्व इट न्यूमेरिकली we get a value of W equals 0.622 PB upon PT. PT is nothing but, यहाँ पर PT is nothing but barometric pressure. Don't get confused. ठीक है, PT is nothing but barometric pressure. Barometric pressure. और आई विल राइट, इसको अभी तक हम PB के नाम से डिनोट कर रहे थे, वी आर डिनोटिंग इट बाय इट एज PB, ठीक है. तो इट इज सेम एज दैट, ठीक है. PT इज नथिंग बट बैरोमेट्रिक प्रेशर, टॉकिंग अबाउट ओनली PT. टॉकिंग ओनली अबाउट PT, नॉट PB. PT is your barometric pressure. इसको हम PV से भी denote करते हैं, तो notations हैं, किसी book में अलग मिलती हैं, कहीं पे कहीं दूसरी मिलती हैं. It is nothing but the same thing. Now, if the air is saturated, ठीक है, यानी कि अगर air saturate हो गई है, ठीक है, saturate means it is having the, it is holding maximum amount of water vapor, ठीक है, for saturated air means if it is holding maximum amount of water vapor, then the humidity ratio is given by the formula will remain same, but PV की जगह यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा, क्योंकि air is saturated, ठीक है, तो we will write the pressure as PS, ठीक है. तो simple है, कोई ज़्यादा difficult नहीं है, but this formula is important, ठीक है, this formula is important, so you should remember it, ठीक है. और इसी का variation है, ये normal conditions में use करते हैं, ठीक है, अगर but if the air is saturated, then it is known as यहाँ पे क्या हो जाता है, PS आ जाता है, ठीक है. और W की जगह हम क्या कर देते हैं, WS कर देते हैं, ठीक है, टू शो दैट इट इज सैचुरेटेड. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूलाज, आगे इनको यूज करेंगे, अहेड हम अभी मूव कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूलाज ध्यान रखिएगा. नाउ द सेकंड वन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. Now over here, relative humidity is defined, is expressed by phi, and it is defined as the ratio of the mole fraction of water vapor in moist air to the mole fraction of water vapor in saturated air. ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इन मॉइस्ट एयर टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इन saturated air at the same temperature and pressure, ठीक है, temperature and pressure should be same, ठीक है. तो phi is nothing but, using perfect gas relationship we come to know that it is nothing but PV upon Psat, or it is nothing but, it can also be written as PS. P saturation is nothing but it is This nothing but equal to PS.
Now the next one is degree of saturation. Now degree of saturation is the ratio of humidity ratio W to the humidity ratio of saturated mixture WS. ये S नीचे आएगा, ये ऊपर चला गया, ठीक है, it will be in the subscript. Ratio of saturated mixture WS at the same temperature, यानी कि it is the ratio of WS and W and WS is known as mu. ठीक है, जब भी हमने पीछे W और WS निकाला था उसका रेशियो फॉर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज म्यू. यहाँ पे आप रिलेशन में देख सकते हो, वही रिलेशन हमने यूज किए हैं. ठीक है, वहाँ पे PT लिखा था, यहाँ पे PB लिखा है, इट इज वन एंड द सेम रिलेशन. इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो यू गेट ऑल्सो दिस रिलेशन, आपको ये रिलेशन भी मिलता है यहाँ पर. ठीक है, नाउ वी नो दैट PB बाय PS इज नथिंग बट phi. ठीक है, PB बाय PS जो ये वैल्यू है आपको यहाँ पे दिख रही है, PB बाय PS इज phi. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ phi. ठीक है, यहाँ पे आपने नेक्स्ट में रिलेशनशिप बिटवीन म्यू एंड phi निकालेंगे तो ये phi से आपने चेंज कर दिया. ठीक है, और चेंज करने के बाद यू हैव पुट इट इन द मैनर, ठीक है, सो दैट यू कैन फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन म्यू एंड phi. म्यू और phi के बीच में आपने रिलेशन निकाल दिया. ठीक है, नाउ आई होप इट इज क्लियर. यहाँ तक क्लियर होगा, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये सारे इंपॉर्टेंट साइक्रोमेट्रिक रिलेशंस हैं, ये आपको याद होने चाहिए तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, नहीं प्रॉब्लम होगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक वॉल्यूम. ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूम, इट इज वॉल्यूम पर केजी ऑफ ड्रायर. ठीक है, वॉल्यूम पर केजी ऑफ ड्रायर, इसकी यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्रायर. ठीक है ना, और इसका रिलेशन सिंपल ही है. ठीक है, दिस इज अ सिंपल रिलेशन दैट कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रेशर ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका आपके लिए कोई डेरिवेशन या कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इक्वेशन डायरेक्टली यूज होता है वेर एवर यू आर गिवन वेट बल्ब टेम्परेचर. अगर आपको टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, ड्राई टेम्परेचर है आपके पास, वेट बल्ब टेम्परेचर है, एंड यू वॉन्ट टू फाइंड आउट पार्शल प्रेशर ऑफ वेपर, बट so in that case you can use this equation. ठीक है ना, अगर आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर नहीं पता या उसने डायरेक्ट पार्शल प्रेशर ऑफ वेपर नहीं दिया है बट उसने आपको वेट बल्ब टेम्परेचर दिया है. ठीक है, सो फ्रॉम वेट बल्ब टेम्परेचर यू कैन फाइंड द वेट बल्ब प्रेशर. ठीक है, आप वेट बल्ब प्रेशर PW फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ PB यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ PV, आप PV की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज कैरियर्स इक्वेशन, इसको कैरियर्स इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, ये आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन टू इट. ठीक है, तो इट इज द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, वाटर वेपर प्रेशर, ठीक है, एट वेट बल्ब टेम्परेचर इज नोन एज वेट बल्ब टेम्परेचर पे उसको हम PW बोलते हैं, बट नॉर्मल वाटर वेपर प्रेशर इज PV. ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है. And it can be used when you are given the PW. Otherwise, the other method is you should be having dew point temperature. अगर आपके पास dew point temperature है, तो steam table से उसके corresponding का जो saturation temperature है, अगर आपके पास dew point temperature है, तो उसके corresponding का जो dew point जो saturation pressure है, उसके corresponding dew point temperature के corresponding saturation pressure will be the value of P. I move on to the next slide. Now this is important. This is your enthalpy of moisture. Okay, enthalpy of moisture is an important topic. Now what is it? It is the sum of enthalpy of dry air and the enthalpy of water vapor. Okay, the enthalpies are always based on some reference values. For moist air, the enthalpy of dry air is given as zero value at 0°C, and for water vapor, the enthalpy of saturated water is taken as zero at 0°C. ठीक है ना, तो enthalpy की value हम क्या करते हैं, zero मान के चलते हैं, कि क्योंकि हमें तो steam के लिए use करना है या water vapor के लिए use करना है, तो we don't have to freeze it. So, हम क्या मान के चलते हैं कि एट 0°C, ठीक है ना, द एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर इज ऑल्सो जीरो,
of saturated water is also zero at 0 degree centigrade. ठीक है, फिर वहां से इसकी कैलकुलेशन होती है. नाउ HA is equals to HA plus W of HG, यानी कि ड्राई एयर की एंथैल्पी प्लस कितना वाटर वेपर है प्रेजेंट, दैट इज W, और उसके साथ उसकी स्पेसिफिक हीट HG, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करता है तो वी गेट द वैल्यू ऑफ मॉइस्ट एयर. व्हेन वी इसको ओपन करते हैं, फर्दर ओपन करने के बाद वी गेट अ रिलेशन दैट इज CpT plus W HFG plus CpW into T, ठीक है. इसी को जब हम रीअरेंज करते हैं, जब इनकी वैल्यूज को पुट करके हम रीअरेंज करते हैं, सो वी गेट अ वैल्यू ऑफ H इक्वल्स 1.005 T plus W 2501 plus 1.88 T. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा. नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट वन इज ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ द सेम थिंग. अभी हमने देखा था, वहां पर हमने CPM लिखा था. CPM वॉज नथिंग बट CP plus W into CP of water, ठीक है, CP of air plus what is the content specific humidity of air into specific heat of water, ठीक है. तो ये जो combined होता है, that is known as humid specific heat, ठीक है. It is written over here. It is specific heat of water vapor. Now we move on to the next, that is the problem. तो एक problem हमने आप लोगों को assignment में दिया था. So I am discussing that problem so that आपको clear हो सके. Now what does the problem says? It is saying the reading from a swing psychrometer are as follows. ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बैरोमेट्रिक रीडिंग इज 740 mm ऑफ HG. इट इज सेइंग यूजिंग स्टीम टेबल्स डिटरमाइन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वेपर डेंसिटी एंड एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्रायर, ठीक है. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इट इज एन एग्जांपल, सो यू शुड अंडरस्टैंड इट क्लियरली. नाउ सबसे पहले हमने क्या देखना है कि व्हाट आर द गिवन डाटा, हमें क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है. सो व्हाट वी आर गिवन योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज गिवन टू अस, वेट बल्ब टेम्परेचर इज गिवन टू अस, एंड दिस इज नथिंग बट PB, दिस इज नॉट P4 बट इट इज PB. Is PB. Yes, PB is equals to 740 mm of HG. Now, first of all, we are going to find out the dew point temperature. Okay, we know that dew point temperature is temperature corresponding to PV. Okay, जो हमारा PV होता है, उसके corresponding dew point temperature होता है, ठीक है ना? Now, to find PV, we have to फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट पीवी. हमें पहले पीवी निकालना पड़ेगा, ठीक है. पीवी निकालने के लिए वी आर हैविंग दिस रिलेशन विच इज नोन एज, ये रिलेशन है हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर्स इक्वेशन बोलते हैं. वी आर हैविंग दिस रिलेशन विच इज नोन एज कैरियर्स इक्वेशन. नाउ यूजिंग दिस रिलेशन, फॉर टू यूज दिस रिलेशन वी नीड टू हैव PW, ठीक है, हमको PW की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. नाउ व्हाट इज PW? PW इज द फ्रॉम स्टीम टेबल द सैचुरेशन प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्टीम टेबल सैचुरेशन प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज 0.02337 बार, ठीक है. ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया है, वी हैव पुट इट ओवर हियर, ठीक है. देन वी आर हैविंग जो आपका PV है, ठीक है, दिस PV इज 740 mm ऑफ HG, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू बार एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 0.98642 बार. नाउ इट हैज बीन पुट ओवर हियर, ठीक है.
दिस इज द डिफरेंस ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर एंड द रेस्ट फॉर्मूला इज नोन, जिसको हम सॉल्व करते हैं सो वी गेट अ वैल्यू ऑफ पीवी एज 0.1701 बार, ठीक है, हमें ये पीवी मिल गया। नाउ इस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमको टेम्परेचर मिलेगा दैट विल बी अवर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर क्या होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। सो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव डन द सेम थिंग, द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर corresponding to the saturation temperature, ठीक है, PV के corresponding, we find that the corresponding temperature corresponding to this is 15 degree centigrade, so this is our dew point temperature, ठीक है, हमें dew point temperature मिल गया। Now next what we want to find out is relative humidity, ठीक है, now in this relative humidity from steam tables we find that the saturation pressure of vapor corresponding to dry bulb temperature of 30 degree centigrade is TS. ठीक है, saturation pressure corresponding to dry bulb temperature is given as TS. ठीक है ना, और dry bulb temperature हमें given है, तो हमने यहाँ से TS की value steam table से find out कर लिया. Then we know that the relative humidity is given by PV by TS. Relative humidity किससे मिलती है? PV by TS से. तो PV की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला, दैट इज 0.017 बार, ठीक है, एंड PS इज 0.042 बार, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपने रख दी एंड वी गेट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 40%, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला था W इक्वल्स 0.622 PV अपॉन PV माइनस PV, सो वी आर हैविंग ऑल द वैल्यूज, वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ PV, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ PV, so you can directly put the value and find the value and it is coming around 10.914 gram per kg of dryer. Now the units are very important, ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, these are the units are in gram, ठीक है, यहाँ पर क्या है, gram per kg of dryer, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप खाली लिख दे gram per kg, ठीक है, gram per kg of क्या, तो gram per kg of dryer, ठीक है, क्योंकि यहाँ dryer और moisture दोनों, तो ये चीज important होती है to write down that it is per kg of dryer. So we move on to the next slide. Now the fourth point that we are going to find out is degree of saturation. Okay, we know that the specific humidity of saturated air, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज, दिस इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन व्हिच इज डिनोटेड बाय म्यू एंड म्यू इज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एस, ठीक है, सो वी हैव फाइंडेड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन द अर्लियर प्रॉब्लम, ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू हमने अभी निकाली, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वी नीड टू फाइंड आउट डब्ल्यू एस, तो डब्ल्यू एस के लिए वी हैव सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट दिस सैचुरेशन प्रेशर, नाउ वी पुट दिस वैल्यू ओवर हियर and we get the value of WS, then the ratio of W and WS will give us the value of mu, so mu is 39.1%, okay. Now it is another way of calculating the degree of saturation, mu may also be calculated from the following relation, we have PV and PS, and we can, it is the same formula, the 0.622 term has been cancelled, okay, and the rest is over here, so we can find it from here also. So I will move on to the next slide. Now it is the vapor density. Now vapor density is nothing, is given by the formula rho v equals w into pv minus pv upon ratd, ठीक है, I have already shown you this formula in the relations. Now this formula is also directly used, ठीक है, and you can have the values.
एंड देन द लास्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर. नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर यूजिंग ओवर हेयर एंथैल्पी ऑफ HFG we are using at dew point temperature. Okay, so it is important because we are having a formula that enthalpy of mixture per kg of dry air is also given by this relation. Okay, you can note down this relation also. It is also an important relation. H equals 1.022 dry into dry bulb temperature plus W HFG at dew point temperature plus 2.3 into dew point temperature. Okay. Now over here, whenever we are calculating enthalpy, it has to be kept in mind that temperatures should be in degree centigrade. Temperatures should be in centigrade. Should be in centigrade scale. ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है. We have to keep mind that it should be in degree centigrade only. Okay, now from the steam tables, in the steam tables we find that the latent heat of vaporization of water at dew point temperature is 15 degree centigrade, and then we have taken the values and calculated it. Now the important thing that you should understand is we have find out 2-3 values from the steam tables. So steam tables are very important. You should be able to read the steam tables, okay, so that you can find various temperatures and various pressures, because specifically dry bulb temperature, wet bulb temperature, dew point temperature, and their corresponding pressures. Okay, so these three are important. If you can find out these three temperature pressures and their respective properties, then the rest of thing is just you have to put the values in the formulas and you can calculate the values. I hope you understand it. Now we will, in the next class we will study about the psychrometric processes and their relations and their different relations. We will stop here today.